वेल तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सारे अच्छे होंगे एंड लाइफ मस्त में जी रहे होंगे, क्योंकि लाइफ अगर मस्त में नहीं जियोगे तो जिंदगी जी नहीं पाओगे अच्छे से। तो वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल, ये दोनों देख के आपने वीडियो को क्लिक किया है, तो एग्जैक्टली आप एक नए कंटेंट क्रिएटर हैं एंड आप ऐसा सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड कैसे करते हैं। दोस्तों यार, हम में से जितने भी नए कंटेंट क्रिएटर्स इस यूट्यूब जर्नी पे स्टार्ट किया है, मतलब जिन्होंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया है, उनका दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि यार जिस तरीके से मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, क्या वो सही तरीका है? मैं कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहा हूँ? जिसके चलते अगर मैं वीडियोज सही से भी अपलोड कर रहा हूँ तो मेरे व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स ये दोनों बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? तो मेरा कुछ गलती है क्या? मैंने कुछ गलती किया है या फिर मैं कुछ गलत चीज़ कर रहा हूँ? तो मैं भी एक नया कंटेंट क्रिएटर था एक साल पहले, ध्यान से सुनना, मेरा भी नया चैनल था एक साल पहले जिसका नाम है टेक यूनिफाइड। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस चैनल का। तो बेसिकली मैंने एक साल पहले जब चैनल क्रिएट किया था तो मुझे भी ये सेम टू सेम चीज़ें होते थे, मतलब कैसे वीडियोज अपलोड करें यूट्यूब पे, जिस तरीके से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ क्या वो सही तरीका है? क्योंकि मेरे साथ जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है उनका चैनल ग्रो हो रहा था, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा था? क्या मैं सही तरीके से वीडियो अपलोड कर रहा था या फिर मेरा कुछ गलती थी उसमें? तो बेसिकली ये सब चीज़ें सोचते सोचते एक साल हो गए एंड चैनल ग्रो ही नहीं हुआ। इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा आने वाले किसी भी वीडियो में कि मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा था एंड बेसिकली मेरा ही गलती की वजह से, यानी कि मेरे ही गलती की वजह से मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा था, एंड वो गलती क्या है मैं आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा। लेकिन यार आज के इस वीडियो में ना मैं आपको सिखाऊंगा वो सही तरीके, ठीक है, वो सही तरीका जिसके चलते आपका चैनल भी रैंक होगा एंड आपके वीडियोज भी रैंक होंगे एंड आप एक सक्सेसफुल यूट्यूब करियर बना पाएंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए एंड मैं आपको बताता हूँ YouTube पे वीडियोस अपलोड करने के सही तरीके कौन से हैं। तो अभी इसके लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे PC में एंड मैं आपको टेक यूनिफाइड पे एक वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा कैसे आपको सही तरीके से वीडियो उसमें अपलोड करने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो चलो फिर कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के एंड एज प्रॉमिस्ड अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूट्यूब पे सही तरीके से जो है आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप या तो गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करो या फिर आप ओपेरा ब्राउजर यूज करो, क्योंकि इन दोनों ब्राउजर्स में जो है आप एक्सटेंशंस वगैरह लगा सकते हैं। एंड ये दोनों ब्राउजर्स मैं क्यों बता रहा हूँ वो आगे चल के वीडियो में आपको पता चलेगा कि इन दोनों ब्राउजर्स का फायदा क्या है। तो सबसे पहले चलो मैं गूगल क्रोम को खोल लेता हूँ एंड क्रोम को खोलते ही आपको शायद से पता चल गया होगा कि ये है हमारा बेसिकली YouTube जो बेसिकली होता है। तो खुलने के बाद YouTube कुछ ऐसा दिखता है एंड यहाँ पे मैं फिलहाल अपलोड करूंगा मेरे टेक यूनिफाइड चैनल में वीडियोस, मतलब वहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ वीडियोस अपलोड करने के लिए एंड देन मैं सिंपली योर चैनल को ड्रैग करके इधर एक नए टैब पे उसको खोल लेता हूँ, क्यों अभी चल के आपको पता चलेगा। तो सिंपली ये मतलब ये है बेसिकली YouTube का इंटरफेस जैसा कि आपको पता है। नाउ यहाँ पे सिंपली आपको क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करते हैं एंड देन अपलोड वीडियो पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम इसको देते हैं लोड होने में, क्योंकि मेरे यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है आपको शायद से पता है, तो उसके ऊपर मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। ओके, तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ क्रोम एंड ओपेरा क्यों आपको चाहिए। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो है टैग्स के लिए आपको काफी सारा हेल्प करेगा ट्यूबबडी या फिर vidIQ, ये दोनों एक्सटेंशंस। अब ये दोनों जो एक्सटेंशंस है एक्सटेंशंस बेसिकली सपोर्ट करते हैं ये दो ब्राउजर क्रोम एंड ओपेरा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं इसीलिए ये दोनों ब्राउजर्स हमेशा कि आप ये दोनों ब्राउजर्स यूज करो। यहाँ पे जो है आप ये ट्यूबबडी जो एक्सटेंशन है ये सिंपली आप क्रोम वेब स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली एंड यहाँ पे सिंपली इस एक्सटेंशन को लगा सकते हैं। कि इसके ऊपर अलग सा डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं इन दोनों के ऊपर एक अलग सा डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा बना के। तो अभी देखते हैं कैसे वीडियोस अपलोड करते हैं। तो सिंपली यहां पे अभी हम सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे एंड ये हमारा ले जाएगा सिंपली एक फाइल को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो को सिंपली क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम इसको दिया एंड ये फिलहाल यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट
हो जाएगा। तो ये बेसिकली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ही दिया था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा मुझे हेल्प करेगा यहाँ पे। तो यह बेसिकली मैंने अपना जो दूसरा चैनल है, अब देख सकते हैं यहाँ पे वो सारा का सारा आ चुका है। ये मेरा सबसे ज्यादा चलने वाला वीडियो है, 7.8 के व्यूज 2 महीने में, जो कि मेरे हिसाब से, मतलब मेरे चैनल के हिसाब से काफी सही है। ओके, तो मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो है ये सेकंड वाला वीडियो। अपलोड पे जो सेकंड वाला वीडियो है ये सिंपल वीडियो है, वहां पे मैंने जो अपलोड कर रहा हूँ एंड आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंपली जो है मैं इसको भी क्लिक करूंगा इस पे एंड थोड़ा सा इसको मैं लोड होने देता हूँ एंड इसको मैं पॉज करता हूँ, नहीं तो इस चैनल पे कॉपीराइट आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जाना है एंड जो टाइटल है वीडियो का, जो टाइटल है लोग जो देखेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे जो, वो आपको सिंपली डिसाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली जो लिखा है हु टच्ड माई फोन, सिंपली मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं एंड यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। तो सिंपली आपको एक मजेदार एंड अंदाजदार जो है सिंपली टाइटल आपको सोचना है सबसे पहले एंड देन जो है आपको या जो टाइटल जगह है, मतलब टाइटल वाला जगह है, यहां पे सिंपली इसको आपको लिख देना है राइट नाउ। अभी दूसरा जो ऑप्शन यहां पे आपको मिलता है वो है डिस्क्रिप्शन। अब देखो वीडियो का टाइटल, थंबनेल, ये दोनों चीजें होते हैं वीडियो पे क्लिक करने पे, मतलब जो मेन क्लिकेबल चीज होता है आपके चैनल का वो है ये टाइटल एंड दूसरा ये थंबनेल, इसके ऊपर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में होते हैं बेसिकली हेलो गाइज इन दिस वीडियो ब्ला 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 ब्ला, छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपने क्या बोला है उसके बारे में। दूसरा जिस एप्लीकेशन के बारे में आपने बताया उस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना है, क्योंकि मुझे डाउनलोड लिंक बेसिकली ये ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर में मिल जाता है जिस एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया, तो सिंपली उसका लिंक मैंने यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे लोग जो आजकल सिक्योर हो चुके हैं। देन मैंने यहाँ पे जो है ट्यूबबडी का एक छोटा सा प्रमोशन किया है यहाँ पे उनका लिंक देके। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर कूल स्टफ्स एट लो कॉस्ट, थोड़ा सा मेरा ये जो है बेसिकली अफिलिएट लिंक्स है, यहाँ से मैं जो है छोटा खा, मतलब अच्छा खासा छोटा मोटा पैसा इनकम करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन जो है, एक आसान शब्दों में मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो है वो आपको बना के ही रखना है एंड सिंपली अगर आप मेरे हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन मेरा बेसिकली सेम ही है, एकदम सेम ही है, सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस में कर देता हूँ, जैसे कि टॉपिक के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, एप्लीकेशन वगैरह ऐड कर दिया, लेकिन बाकी का जो टोटल डिस्क्रिप्शन होता है ये सारा का सारा वेबसाइट वगैरह जो भी है ये सिंपली आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड सिंपली जो वीडियो आपने यहाँ पे बनाया है यहाँ पे सिंपली इसके डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देना है एंड डिस्क्रिप्शन कॉपी करने पे कुछ नहीं होता। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली होता है क्या, मैंने आपको बता ही दिया, छोटा सा टॉपिक के बारे में आप बताएंगे, एप्लीकेशन का लिंक देंगे वगैरह वगैरह, सोशल मीडिया का लिंक्स देंगे एंड कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है उसके बारे में छोटा सा एक अंदाजा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है थंबनेल्स। थंबनेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, थंबनेल्स कैसे बनाते हैं, थंबनेल्स कैसे बनाएंगे आप अगर आप फ़ोन से शूट करते हैं या फिर फ़ोन से थंबनेल्स बनाना चाहते हैं, तो टेक यूनिफाइड पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कैसे सिर्फ अपने फोन से एक एप्लीकेशन के मदद से थंबनेल्स बना सकते हैं एंड एचडी क्वालिटी थंबनेल्स बना सकते हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो मैं बेसिकली यूज करता हूँ फोटोशॉप, बेसिकली फोटोशॉप, तो फोटोशॉप की मदद से जो है, क्योंकि मेरे पास पीसी है तो मैं फोटोशॉप यूज करता हूँ एंड इस थंबनेल को जो है मैं अभी यहाँ पे डाल दूंगा। ये जो थंबनेल आप देख ही सकते हैं, थंबनेल आ चुका है यहाँ पे, तो ये है बेसिकली अट्रैक्शन लाता है, जो बेसिकली अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे अगर आप टोटल व्यूज चेक करोगे तो टोटल अभी तक हुआ है 41 व्यूज। थंबनेल अच्छा है, वीडियो थोड़ा बहुत चल रहा है तो इसीलिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे आ चुका है, सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, टाइम लगता है लेकिन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे तीसरा जो, मतलब एक दो तीन चार चौथे नंबर पे जो आ रहा है वो है प्लेलिस्ट। ये आप डाल भी सकते हो या आप नहीं भी डाल सकते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसको लीव करना चाहते हो लीव कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा एक प्लेलिस्ट बना के रखो ताकि आने वाले टाइम पे जब आपका चैनल थोड़ा सा बढ़े तो आप उसको जो है, मेरे हिसाब से जो मैंने जब यहाँ पे सजा के रखा है अपना चैनल कुछ वैसे जो है आप इसको सजा के रख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा कैसे अपने चैनल को आप सजा सकते हैं, सो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैग्स जो आपको वायरल करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली इसके ऊपर एक अलग सा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, टैग्स कैसे लगाते हैं क्या लगाते हैं, लेकिन अभी के लिए जो है मैं सिंपली इस वीडियो के टैग्स को यहाँ पे कॉपी करूंगा। क्यों कॉपी करूंगा, क्योंकि यही है वो चीज जो आपकी वीडियोस को रैंक करवाते हैं। एग्जैक्टली अगर आप सर्च करते हो हु टच्ड माई फोन, ठीक है,
तो मेरा वीडियो जो है, मुझे जितना पता चला है, मेरा वीडियो जो है वो 10-12 नंबर के आसपास आ रहा है। तो ये किसके फायदे के लिए है? ये हो रहे हैं बेसिकली टैग्स के लिए। टैग्स जितना अच्छा लगाओगे, टैग्स जितना कैची लगाओगे, तो उतना ही ज्यादा आपका वीडियो रैंक होने का चांसेस है। एंड मैंने आपको ट्यूबबडी का क्यों एग्जाम्पल दिया, क्योंकि अगर आप ट्यूबबडी एक्सटेंशन डाउनलोड करते हो या फिर vidIQ एक्सटेंशन डाउनलोड करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे 3 टैग्स जो है फ्री में आपको मिलते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे रिलेवेंट जो टैग्स है आपकी वीडियो के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो सिंपली इन तीनों को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर ट्यूबबडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे वीडियोलिटिक्स आपके सामने, मतलब वीडियो का एनालिटिक्स जो है बेसिकली यहाँ पे आ चुका है। एंड टैग्स, यहाँ से जो टैग्स है आप सिंपली कॉपी टू कर सकते हैं एंड कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट भी कर सकते हैं। कोई भी वीडियो चल रहा है उसका टोटल टैग्स लाके जो है सिंपली आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे तो ये सारा का सारा हो गया, बस यहाँ पे कुछ भी आपको हाथ नहीं लगाना है, सिंपली इसको जैसा है वैसा ही रहने देना है। अब नेक्स्ट करते हैं, मतलब ये सारे कुछ खत्म हो जाने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट दबाना है। राइट नाउ अब यहाँ पे दो चीज आपको इंपॉर्टेंट, मतलब दो चीज आपको ध्यान से रखने हैं, मतलब ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला है एंड स्क्रीन। अब ये क्यों जरूरत है, मतलब इसकी जरूरत क्यों है आपकी चैनल में? अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या है, एक वीडियो डाला है एंड सब्सक्राइब करने का बटन डाला है, ऐसे ही डिजाइनिंग। अगर आप ये टेम्पलेट्स चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये इन स्क्रीन वगैरह। तो ये बेसिकली है एंड स्क्रीन, जिसके मदद से जो है आप अपने वीडियोज का फ्री प्रमोशन कर सकते हैं। ये एक तरीका है, एंड दूसरा एक तरीका भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में आने वाले टाइम पे। तो ये जो है बेसिकली एंड स्क्रीन, एंड इसी के माध्यम से जो है आप अपने वीडियोस का फ्री प्रमोशन कर सकते हैं वीडियो के एंड में। तो यहाँ पे मैं सिंपली डिस्कार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है वीडियो थोड़ा सा अपलोड होने में टाइम लग रहा था, तो मैंने जो है थोड़ा अपना जो पुराना वीडियो उसी से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अब आते हैं कार्ड्स पे। कार्ड्स क्यों चाहिए? वेल, कार्ड्स इसलिए चाहिए क्योंकि इसी में जो है दोबारा से आप जो है प्रमोशंस लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक प्रमोशन लगाया, ये जो छोटे छोटे आप पीसेस देख रहे हो ना, यही है बेसिकली कार्ड्स। कार्ड्स मतलब ये जो आप देखते हो ना छोटे छोटे, ये है बेसिकली कार्ड्स। एक के बाद एक जो वीडियो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एंड आप एक के बाद एक जो है वीडियोस देख सकते हैं। आप वीडियोस मान के चलो वीडियोस देख रहे हो, एंड आपको बीच में ये मिलता है डू यू नो हु इज वॉचिंग यू, तो आप सिंपली आपका अट्रैक्शन क्या जाएगा, व्यूअर्स का अट्रैक्शन कहा जाएगा। ऐसा भी होता है कि हम ये पता लगा सके कि हमें कोई देख रहा है या फिर नहीं, तो वो सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा सारा का सारा वीडियो। तो कुछ ऐसे ही जो है ना आप अपने वीडियोस का फ्री में प्रमोशन करते हैं। अभी सिंपली आपको क्या करना है, अभी सिंपली आपको जो है अपलोड पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट दबा के। एंड दो तरीके की चीज आप कर सकते हो इसमें, क्या कर सकते हो ये देखो, मैंने जो आपको बताया टैग्स के बारे में, टैग्स यहाँ पे मेरे रैंक कर रहे हैं, सारे के सारे टैग्स जो है यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो एक गया पॉइंट। एंड दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ओके तो यहाँ पे जो है एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली ये जो है पब्लिक का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, तो सिंपली पब्लिक के बगल में अगर मैं आपको यहाँ पे दबाऊं, तो वीडियो को अपलोड करने से पहले आपको 3 चीजें मिलते हैं। सबसे पहला है सेव और पब्लिश, सबसे पहला यहाँ पे प्राइवेट, फिर अनलिस्ट एंड पब्लिक। ये प्राइवेट कभी भी नहीं करना, अगर वीडियो अपलोड करना है तो सिंपली पब्लिक करना है। एंड दूसरा है स्केड्यूल। स्केड्यूल क्यों? स्केड्यूल बेसिकली अगर मान के चलो आप कल वीडियो अपलोड करना चाहते हो एंड वीडियो आज आपका रेडी हो चुका है, तो उस टाइम पे जो है आप स्केड्यूल दबा सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपली आपको डेट सिलेक्ट करना है, डेट सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको टाइम सिलेक्ट करने हैं, मतलब कितने बजे आपका वीडियो अपलोड होगा, एंड सिंपली आपको स्केड्यूल पे क्लिक करना है। बाकी अगर आप स्केड्यूल नहीं करना चाहते तो सिंपली आपको सेव पे करना है और या फिर पब्लिश पे क्लिक करना है एंड सिंपली पब्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको पब्लिक कर दिया है या फिर पब्लिश कर दिया, तो यहाँ पे मेरा सिंपली पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसे ही जो है आप सही तरीके से वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। अब बीच में मुझे पता है थोड़ा सा आप डिटैच हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे इंटरनेट थोड़ा सा नहीं चल रहा था, तो मैंने यहाँ से एग्जांपल आपको देके मैंने समझा दिया कि कैसे आप सही तरीके से यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। हाँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो है, तो आई होप कि आप समझेंगे वीडियो में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको शायद से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है एंड ऐसी वीडियोस आप देखना पसंद करते हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड लास्टली बाय बाय। ओके दोस्तों, तो ये रहा हो सही तरीका जिससे कि आप यूट्यूब पे सही तरीके से वीडियोज अपलोड कर पाएंगे। सही तरीके से टाइटल्स लगाओ, सही तरीके से थंबनेल्स डिजाइन करो। अगर शुरुआती टाइम पे नहीं आता है तो सोचो, क्रिएट करो, अपने माइंड से क्रिएट करो कुछ चीज़ें, जाकि मतलब ताकि वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करें। यूट्यूब पे सक्सेस पाने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है 3 चीज़ों को आपको दिमाग में घुसा लेना है। सबसे पहला अच्छा थंबनेल, दूसरा अच्छा टाइटल, एंड तीसरा टैग्स का
सही इस्तेमाल, जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है। तो चलो फिर, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर देना हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो चलो फिर एक और नए वीडियो में मिलते हैं आपसे, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो करते रहना। तो लास्टली बाय बाय।